स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के दो वेटलैंड नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। आंसर डी बिहार। एक्सप्लेनेशन: भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि घोषित किया है। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूके 175 साइट्स के साथ टॉप पर है। अगला प्रश्न: नेपाल के किस नदी पर अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ए अरुण नदी, बी त्रिशूली नदी, सी कोसी नदी, डी गंडकी नदी। आंसर ए अरुण नदी। एक्सप्लेनेशन: नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के संखुआ सभा जिले में 900 मेगावाट अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेडवेज टनल के लिए उत्खनन के पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतिम विस्फोट कर सुरंग का उद्घाटन किया। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड SAPDC द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अरुण नदी बेसिन में सतत जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ए जोस बटलर, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी बाबर आजम। आंसर बी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 472 इंटरनेशनल मैच खेलकर 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और आयरलैंड के मुकाबले के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद 553 छक्कों के साथ क्रिस गेल दूसरे नंबर पर है। शाहिद अफरीदी ने 476 छक्के लगाए हैं। अगला प्रश्न: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के किस संस्करण को भंग कर दिया है? ए 16वीं संस्करण, बी 17वीं संस्करण, सी 18वीं संस्करण, डी 19वीं संस्करण। आंसर बी 17वीं संस्करण। एक्सप्लेनेशन: लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। वहीं राष्ट्रपति ने PM और उनकी मंत्रिपरिषद से नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभाले रखने का निवेदन किया है। कैबिनेट की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17वीं लोकसभा को भंग करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न: नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से खास मेहमान भाग लेंगे? ए शेख हसीना, बी रानिल विक्रम सिंघे, सी पुष्प कमल दहल, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन: नरेंद्र मोदी अपना तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून 2024 रविवार को शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सहित विश्व के कई नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार 3.0 में कितने मंत्री बने? ए 70, बी 71, सी 72, डी 73। आंसर बी 71। एक्सप्लेनेशन: नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिपरिषद में पिछली सरकार के अधिकतर प्रमुख चेहरों को शामिल किया गया। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और एस जयशंकर ने शपथ ली। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नए चेहरों में मनोहर लाल खट्टर, CR पाटिल, शिवराज सिंह चौहान, बंडी संजय कुमार और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल हैं। नई गठबंधन सरकार में 71 मंत्रियों की सूची में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। विभागों की घोषणा अभी नहीं की गई है। अगला प्रश्न: अगले 5 वर्षों में कौन कौन से नए फैसले ले सकती है NDA सरकार? ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता, बी एक राष्ट्र एक चुनाव, सी समान नागरिक संहिता कानून, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन: 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लिया है। उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा, जिनमें मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता कानून,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने भारत को स्थायी सदस्यता, स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत का विस्तार और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना इत्यादि है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। आंसर, सी रक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। ये सेवा केंद्र स्पर्श के लिए पेंशन भोगियों के लिए एक इंटरफेस बन जाएंगे, जो उनके प्रोफाइल को अपडेट करने, शिकायत दर्ज करने, डिजिटल वार्षिक पहचान डेटा सत्यापन के अलावा उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून, डी 8 जून। आंसर, सी 7 जून। एक्सप्लेनेशन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस WFSD हर साल 7 जून को मनाया जाता है। ये दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा संयुक्त रूप से सदस्य देशों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से मनाया जाता है। ये दिवस हर साल एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है, जो इससे जुड़े अभियानों की मदद करता है। अगला प्रश्न, 7 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? ए 6.25%, बी 6.50%, सी 6.75%, डी 7.00%। आंसर, बी 6.50%। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लगातार 8वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक 5, 6 और 7 जून 2024 को हुई। PM मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दिन PM किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की? ए 15वीं किस्त, बी 16वीं किस्त, सी 17वीं किस्त, डी 18वीं किस्त। आंसर, सी 17वीं किस्त। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सोमवार को तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभाल लिया है। साथ ही पहले ही दिन PM ने किसानों को PM किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर कर लिया। इससे 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में वितरित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। आंसर, सी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन, उत्तराखंड सरकार ने 1 और 2 जून 2024 को मसूरी पहाड़ों की रानी में भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा आयोजित किया। उद्घाटन कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर आयोजित किया गया था, जो दून घाटी और हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही रोमांच पसंद लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए ब्रह्मांड के आश्चर्यों को देखने के लिए आकर्षित करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? ए रूस, बी अमेरिका, सी इटली, डी ब्रिटेन। आंसर, ए रूस। एक्सप्लेनेशन, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में रूस भारत को तेल का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना रहा। दिसंबर में आयात 25% बढ़ा, जो देश में लाए गए कच्चे तेल का लगभग एक तिहाई हिस्सा था। $3.92 बिलियन पर रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति का मूल्य साल दर साल 25% बढ़ गया। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता? ए राफेल नडाल, बी कार्लोस अल्काराज, सी अलेक्जेंडर ज्वेरेव, डी नोवाक जोकोविच। आंसर, बी कार्लोस अल्काराज। एक्सप्लेनेशन, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने 9 जून 2024 को रोलैंड गैरोस में 5 सेट के फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। कार्लोस अल्काराज का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अल्काराज 2022 में अमेरिकी ओपन और 2023 में विंबलडन खिताब जीत चुके हैं। 21 साल की उम्र में अल्काराज तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने दूध और दूध उत्पादों पर सबसे अधिक खर्च किया? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी हरियाणा। आंसर, डी हरियाणा। एक्सप्लेनेशन,
हरियाणा के ग्रामीण इलाके में लोग सबसे ज्यादा पैसे दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स पर खर्च करते हैं। यह उनके खाने के खर्च का 41.70% है। वहीं भारत के दक्षिणी राज्य केरल में लोग खाने के खर्च का 23.5% हिस्सा मांस, मछली और अंडे जैसे मांसाहार भोजन पर खर्च करते हैं। 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ए. पवन कुमार चामली, बी. हेमंत सोरेन, सी. बायचुंग भूटिया, डी. प्रेम सिंह तमांग। आंसर डी. प्रेम सिंह तमांग। एक्सप्लेनेशन। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में हुआ, जहां राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगला प्रश्न, कौन सी फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF की शुरुआती फिल्म होगी? ए. बिली एंड मॉली, ए. क्वार्टर लव स्टोरी, बी. अतीत की गूंज, सी. दिल की कहानियां, डी. जीवन भर की यात्रा। आंसर ए. बिली एंड मॉली, ए. क्वार्टर लव स्टोरी। एक्सप्लेनेशन। 18वें MIFF की शुरुआती फिल्म बिली एंड मॉली एन क्वार्टर लव स्टोरी होगी, जो 15 जून 2024 को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में स्क्रीनिंग के साथ महोत्सव की शुरुआत करेगी। महोत्सव की समापन फिल्म वह फिल्म है जो गोल्डन कोंच जीतती है और 21 जून 2024 को प्रदर्शित की जाएगी। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली इगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी है? ए. फ्रांस, बी. पोलैंड, सी. जर्मनी, डी. USA। आंसर बी. पोलैंड। एक्सप्लेनेशन। इगा स्विटेक ने जैस्मिन पावलनी को हराकर लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीता। पोलैंड की 23 वर्षीय 2005 से 2007 तक जस्टिन हिनिन के बाद पेरिस में लगातार 3 ट्रॉफियां जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। इगा वर्तमान में महिला टेनिस संघ द्वारा महिला एकल में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, कौन होगा नए सेना अध्यक्ष? ए. मनोज पांडे, बी. अजीत डोभाल, सी. उपेंद्र द्विवेदी, डी. आर. हरिकुमार। आंसर सी. उपेंद्र द्विवेदी। एक्सप्लेनेशन। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नए सेना प्रमुख होंगे। वह मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सी पांडे की जगह लेंगे, जो कि 30 जून को रिटायर होंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में ज्वाइन किया था। जनरल द्विवेदी की नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया है। अगला प्रश्न, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? ए. मोहन चरण मांझी, बी. प्रभाती परिदा, सी. संबित पात्रा, डी. कनक वर्धन सिंह देव। आंसर ए. मोहन चरण मांझी। एक्सप्लेनेशन। ओडिशा को 24 साल बाद नया CM मिला है। मोहन चरण मांझी बनेंगे मुख्यमंत्री। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे, कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा उप मुख्यमंत्री होंगे। BJP विधायक दल की बैठक में CM के नाम पर अंतिम मुहर लग गई। 12 जून को शपथ ग्रहण है, जिसमें PM मोदी भी शामिल होंगे। MotoGP भारत का 2025 संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ए. पुणे ज़िगवील स्पीडवे, बी. बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, सी. चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट, डी. मुंबई रेसिंग ट्रैक। आंसर बी. बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। एक्सप्लेनेशन। भारत बहुप्रतीक्षित MotoGP का संस्करण 2025 से 2029 तक का आयोजन बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में करेगी। यह एक प्रीमियर दो पहिया मोटरस्पोर्ट महाकुंभ है। पहले यह इवेंट 2024 में होना था, लेकिन मौसम की स्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब इसे मार्च 2025 के लिए निर्धारित किया गया है। MotoGP के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब इवेंट प्रमोटर बन गई है। इस रेस आयोजन के लिए CM योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए. डी. राजा, बी. चंद्रबाबू नायडू, सी. पवन कल्याण, डी. नारा लोकेश। आंसर बी. चंद्रबाबू नायडू। एक्सप्लेनेशन। तेलुगु देशम पार्टी TDP प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने चौथे कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बता दें कि नायडू के साथ 24 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में है, ये किस राज्य में है? ए. ओडिशा, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। आंसर डी. उत्तर प्रदेश।
एक्सप्लेनेशन: सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य SWS में बाघों की आबादी के साक्ष्य मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना साल 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न: मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आंसर सी 7। एक्सप्लेनेशन: पीएम मोदी ने नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है, जिनमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री की रैंक की मंत्री है। 2 कैबिनेट मंत्रियों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल है। वहीं अन्य राज्य मंत्रियों में शोभा करंदलाजे, निमुबेन जयंती भाई बामनिया, सावित्री ठाकुर, रक्षा निखिल खत्से और अनुप्रिया पटेल शामिल है। अगला प्रश्न: जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास JIMEX-24 किन देशों की नौसेनाओं के बीच था? ए जापान और दक्षिण कोरिया, बी भारत और ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और जापान, डी भारत और चीन। आंसर सी भारत और जापान। एक्सप्लेनेशन: जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX-24 11 जून 2024 को जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। JIMEX-24 भारतीय नौसेना व जापान समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देगा। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भारतीय नौसेना और JMSDF के बीच परिचालन बातचीत को सुगम बनाता है। 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? ए तापिर गाओ, बी किरेन रिजिजू, सी पेमा खांडू, डी नबाम तुकी। आंसर सी पेमा खांडू। एक्सप्लेनेशन: भाजपा नेता पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में फिर से चुना गया। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। वह 13 जून 2024 को अपने मंत्रिमंडल के साथ पद की शपथ लिया। वह 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न: G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां के लिए रवाना हुए? ए जापान, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी इटली। आंसर डी इटली। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए 13 जून को इटली रवाना हो गए। ये प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा है। पीएम 14 जून को आउटरीच सत्र में भाग लेंगे, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर केंद्रित होगा। वह इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी G7 से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात कर सकते हैं। इटली में 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गाजा में संघर्ष का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है। अगला प्रश्न: तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ANA से किसे नियुक्त किया गया? ए प्रमोद कुमार मिश्रा, बी अजीत डोभाल, सी अमित खरे, डी तरुण कपूर। आंसर बी अजीत डोभाल। एक्सप्लेनेशन: अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ANA से नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल को पहली बार 20 मई 2014 को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। तब से डोभाल ही इस पद को संभाल रहे हैं। 1968 बैच के IPS अधिकारी अजीत डोभाल को कूटनीतिक सोच और काउंटर टेररिज्म का विशेषज्ञ माना जाता है। उधर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये जिम्मेदारी प्रमोद कुमार मिश्रा ही संभालते रहेंगे। अगला प्रश्न: ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 123, बी 125, सी 129, डी 130। आंसर सी 129। एक्सप्लेनेशन: विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 रिपोर्ट पेश की है। पिछले साल की तुलना में भारत इस साल 2 स्थान नीचे खिसकर 129वें स्थान पर आ गया है। पिछले एक दशक से पहले स्थान पर रहने वाला आइसलैंड ने इस साल भी अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत से पहले बांग्लादेश 99, नेपाल 111, श्रीलंका 125 और भूटान 124 का स्थान है। वहीं पाकिस्तान 145वें स्थान पर है। अगला प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? ए प्रोफेसर देवेंद्र लाल, बी सी वी रमन, सी सत्येंद्र नाथ बोस, डी विक्रम साराभाई। आंसर ए प्रोफेसर देवेंद्र लाल। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र के भीतर स्थित 3 नए क्रेटरों को भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखे हैं। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रसिद्ध कॉस्मिक रे भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर स्वर्गीय देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है।
वहीं मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर से लिया गया है, जबकि हिलसा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिलसा शहर के नाम पर रखा गया है। 12 जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 45 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए? ए. संयुक्त अरब अमीरात, बी. सऊदी अरब, सी. कतर, डी. कुवैत। आंसर डी. कुवैत। एक्सप्लेनेशन: 12 जून 2024 को कुवैत के दक्षिणी शहर मंदाफ में 7 मंजिला एक इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई थी, जिसमें 195 प्रवासी श्रमिक रहते थे। इस घटना में कम से कम 45 भारतीय कामगारों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। वायुसेना का सुपर हरक्यूलिस विमान कुवैत से 45 शवों को लेकर शुक्रवार को भारत आ चुका है। विमान केरल के कोची में उतरा है, क्योंकि ज्यादातर मृतक वहीं के थे। इसके बाद विमान दिल्ली आएगा, यहां से शव संबंधित राज्यों में भेजे जाएंगे। साथ में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद थे। अगला प्रश्न: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित NET UG परीक्षा का उद्देश्य क्या है? ए. MBBS, BDS, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। बी. इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। सी. प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। डी. कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। आंसर ए. MBBS, BDS, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। एक्सप्लेनेशन: नीट UG भारत भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NTA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा है। नीट UG 2024 के रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार विवादों में बना हुआ है, जिसकी वजह है इस प्रवेश परीक्षा में बड़ी संख्या में NET UG 2024 कई उम्मीदवारों का अच्छा प्रदर्शन, जिसके चलते छात्रों से लेकर परिजनों तक इस रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इन परिणामों की जांच करने की मांग उठाई है। अगला प्रश्न: हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया? ए. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी. यूनेस्को, सी. वर्ल्ड बैंक, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर सी. वर्ल्ड बैंक। एक्सप्लेनेशन: विश्व बैंक ने हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI जारी किया है। CPPI दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटा सेट पर आधारित है, जो अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेट है। बता दें कि विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न: नासा भारत में किस IIT के साथ मिलकर मल्टीड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहे हैं? ए. IIT वाराणसी, बी. IIT मद्रास, सी. IIT दिल्ली, डी. IIT मुंबई। आंसर बी. IIT मद्रास। एक्सप्लेनेशन: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL के शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर मल्टीड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहे हैं। IIT मद्रास और नासा के JPL के बीच सहयोगात्मक प्रयास वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत को लौटाई जा रही मूर्ति किस संत का है? ए. संत आदि शंकराचार्य, बी. संत कबीर, सी. संत तिरुमंकई अलवर, डी. संत रामानुज। आंसर सी. संत तिरुमंकई अलवर। एक्सप्लेनेशन: ब्रिटेन की जानी मानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने पर सहमति जताई है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई थी। विश्वविद्यालय के इशमोलियन संग्रहालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि 11 मार्च 2024 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की काउंसिल ने इशमोलियन संग्रहालय से संत तिरुमंकई अलवर की 16वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति की वापसी के लिए भारतीय उच्चायोग के दावे का समर्थन किया। यह फैसला अब अप्रूवल के लिए चैरिटी आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।